फोर्थ पॉइंट व्हाई आई हैव टेकन दैट भक्ति डजंट नीड एनी काइंड्स ऑफ प्री क्वालिफिकेशन. टूडेज वर्ल्ड लाइक इवन अ 4 years किड 5 year किड नीड टू गिव अ एग्जामिनेशंस टू टेक अ एडमिशन इन अ स्कूल. सो भक्ति के स्कूल में ना प्री क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं लगता है. सो दैट्स द इजिएस्ट पार्ट. एंड आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर कंडक्टेड बाय सुरेखा मैम. शी हैज वेल एक्सप्लेन्ड अबाउट योग वशिष्ठ एंड आदिज एंड अनादिज व्याधि. तो स्ट्रेस रिलेटेड के जितने भी प्रॉब्लम्स जो है ना, तो भक्ति थोड़ा सा एक मेंटली अफेक्ट करता है. एंड वी हैव सीन दैट कि योग वशिष्ठ हैज गिवन हैप्पीनेस एज द मेन आंसर और अ सल्यूशन फॉर ऑल दिस आदिज एंड व्याधिज अनादिज व्याधिज. सो दिस वॉज द मेन आई वुड से द कंसेप्ट और द कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक. एंड सिक्स आई वुड से दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल लुकिंग एट द यंगर स्टूडेंट्स द यंगर एज पीपल. इमोशनल कल्चरिंग हैज गॉन लिटल बिट ऑन द एजेस. सो भक्ति एक्चुअली सॉफ्टन्स आर इमोशंस. कि प्यार क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, थोड़ा सा समझने के लिए इमोशंस की जरूरत होती है, जो कि भक्ति इमोशनल कल्चरिंग थोड़ा सा आसान कर देती है. सो मूविंग ऑन टू द स्लाइड ऑफ पंचकोशा. एवरीवन नोज दैट पंचकोश है क्या एग्जैक्टली. और पंचकोश तैतरीय उपनिषद से ये कंसेप्ट आ जाता है. वाई हैव टेकन पंचकोशा क्योंकि भक्ति के लिए ना अन्न प्राण मन विज्ञान और आनंद, ये जितने भी हमारे 5 कोशा है इसके ऊपर ये काम करता ही है. क्योंकि अच्छा खाना खाएंगे तो डेफिनेटली हमारा अन्नमय कोश तो वेरी इट विल बी गेटिंग हेल्दी. प्राणमय में होता है कि प्राणा अगर प्रॉपरली फ्लो हो रहा है सारी नाड़ी से तो हमारा मन भी फोकस होता है. विज्ञानमय के ऊपर यह है कि भक्त हमेशा ज्ञानी होता है. तो एक बार ऐसे हो सकता है कि ज्ञानी भक्त नहीं है लेकिन भक्त जो है वो ज्ञानी है. इसके बारे में फ्यूचर स्लाइड्स में आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट. और भक्ति इज कम्प्लीटली इन टू द आनंदमय कोशा. की एक चाइल्डिश जो आनंद है ना कि कोई देख नहीं रहा है कोई देख रहा है, तो वो जो होता है ना कि वो बैरियर्स नहीं, ब्रेकिंग द आइस वाला सिस्टम है ना, वो आनंदमय कोश में है. सो दैट वाज द कंसर्न फॉर टेकिंग द पंचकोशा. सो मूविंग अहेड विद द योगा एंड इट्स पाथ. वी ऑल नो दैट योगा कम्स फ्रॉम द वर्ड एज द रूट वर्ड ऑफ अ यूज एंड दैट यूज वर्ड ऑलवेज टेल्स अस टू यूनाइट और टू कनेक्ट. So understanding to connect from the self to the higher self or to the atma to the paramatma, ये वाला concept जो है वो हमेशा हमें योग सिखाता है. योग is always like it starts from like a two and it ends in one. So योग अगर मैं बोलूँ भी तो ये 4 parts में अगर हम लोगों ने क्या actually भगवान श्री कृष्ण ने divide किया है भगवद गीता में. सो पहला पाथ जो है वो कर्मयोग है. वेर इट टेल्स यू अबाउट वॉट इज अ सेल्फलेस एक्शंस. हमारे एक्शंस इज देयर बट हमारे जो एक्शंस है ना वो सेल्फलेस नहीं होते. बहुत बारी कि हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं. एंड द फेमस श्लोक कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम सांख्य योगा इन द वर्स नंबर 47. वी ऑल नो दिस श्लोक. सो कर्मण नैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. वाई? बिकॉज वी ऑलवेज आर इन अ सच अ वे कि हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए. सो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है विच इज नॉट रॉन्ग. बट एक्चुअली ही लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग यू दैट यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज एंड यू शुडंट बी गेटिंग अटैच टू द फ्रूट्स. एंड दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड नॉट बी द कॉज ऑफ एक्शन एज वेल एज यू शुड नॉट बी अटैच टू द इनएक्शंस. लाइक कर्म का जो है मतलब कर्म ना करना और कर्म करना, इसमें भी हम लोग बंधित नहीं होने चाहिए. सो जो आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द गॉड्स ग्रेस. सो ये सेल्फलेस एक्शंस में चला जाता है. दूसरा है कि दूसरा पाथ है कि ज्ञान योगा. ज्ञान योगा इज अ पाथ ऑफ नॉलेज. वी ऑल नो दैट. और ये डिवाइन नॉलेज होता है कि खुद के बारे में सीखना. तो गर्ग संहिता में गर्गाचार्य ने जो 17 cantos दैट इज लाइक 17 सेकेंड कैंटो में चैप्टर नंबर 1 में सेकेंड वर्स ही बोलता है कि ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड हैव अ गुरु इन आर लाइफ.
नाउ स्टेइंग इन महाराष्ट्र एवरीवन नो दैट दत्त महाराज जो भी है तो उनके 24 गुरु थे, और 24 गुरु जो भी है दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन एंटिटीज, एंड दोज आर लाइक पंचतत्व है, प्लांट्स है, एंट्स है, ये सारे उनके गुरु थे, उनसे सीखा है. सो फॉर आर कंसर्न वी टेक अ गुरु एज अ पर्सनल एंटिटी हु इज गिविंग अ प्रॉपर नॉलेज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग. और ये अज्ञान तिमिरंदस्य, गुरु एक चीज है कि जो अंधकार दूर करता है, और ज्ञानांजन शलाकाया, दैट ही प्रोवाइड्स यू दैट काइंड ऑफ ज्ञाना और दैट काइंड ऑफ अंजना, दैट काइंड ऑफ आई साइट, जिसमें आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअली आपको करना क्या है. सो डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है पाथ ऑफ नॉलेज में, जो डिस्क्रिमिनेट करता है कि बिटवीन वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, तो ये ज्ञान योग हमें प्रदान करता है. दूसरा है, थर्ड पाथ इज राजयोगा, द रॉयल पाथ, और अष्टांग योग. हम लोगों को अष्टांग योग के बारे में सबको सब कुछ पता है, बट जस्ट टू समराइज कि जब तक राजा सिंहासन पे नहीं बैठता है और उसके सिर पे ताज नहीं होता है, तब तक हम उसको राजा नहीं बोलते. सो राजा, यू अंडरस्टैंड कि रॉयल पाथ इज अबाउट यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. तो यम नियम जो है ना, तो वो बेसिक है, ताकि ये यम नियम एक्चुअली भक्ति पाथ में भी यूज होता है, कि सौच संतुष्ट तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये जो हम डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल, ताकि हम लोग जो आसन प्राणायाम और इसकी जो आगे की श्रृंखला है वो बहुत आसान तरीके से एक्चुअली ये आगे तक अच्छी तरीके से चलता है, क्योंकि आसन हमें स्टेबिलिटी देता अपने है. वहां पर ऐसा व्हाइट रखे हुआ है ना, एक बॉक्स व्हाइट, उसके अंदर सामान है उस। प्राणायाम जो है वो हमारा प्राण जो है कि वो फोकस में आता है, कंट्रोल ब्रीदिंग होता है, कि हमको ब्रह्मदेव ने एक गिने चुने सांस दिए, तो एक्चुअली उसका एक प्रॉपर वे में उसको यूटिलाइज करना है. प्रत्याहार में तो हमें पता है कि विषय जो भी है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, को उनको थोड़ा सा खींच के अंदर लाना है, और उसके बाद फिर धारणा है, ध्यान है, समाधि है. तो कमिंग टू एन ओपनिंग विद द भक्ति योगा, द पाथ ऑफ डिवोशन, हमें पता है कि भगवत गीता में चैप्टर नंबर 12 इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू भक्ति योग, और उसमें कृष्ण जी सेकेंड ही वर्स में वो बोलते हैं, द श्लोक ऑल इज गिवन ऑन योर स्लाइड, लाइक श्री भगवान उवाच, मया वेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, श्रद्धया पर उपासते, माँ युक्त माँ मतः, दैट इज हु इज अ प्रॉपर योगी अकॉर्डिंग टू कृष्ण जी इज नन अदर देन हु हैज फिक्स्ड हिज माइंड ऑन हिमसेल्फ, लाइक ऑन लॉर्ड्स लोटस फीट्स, एज वेल एज हु इज एंगेज्ड इन द डिवोशन, एज वेल एज हु हैज अ कंप्लीट फेथ एंड हु हैज सरेंडर हिज माइंड बॉडी सोल टू हिम, कृष्ण जी हैज एक्सेप्टेड हिम एज अ परफेक्ट योगी. क्योंकि सब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही सिचुएशन को देखते हैं. सो दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबके लिए भक्ति चलेगा नहीं, सबके लिए कर्म चलेगा नहीं, सबके लिए कर्म ज्ञान संन्यास नहीं चलेगा. तो ये सबसे इजीएस्ट पाथ है. व्हाई? बिकॉज एक बार कोई प्रैक्टिस करते रहेंगे तो स्टार्टिंग फेज में कि कोई सेवा करेगा, कोई चैंटिंग करेगा, तो आसानी से ये चीज कोई भी कर सकता है. लेकिन सबके लिए सब आसनास करना, सबके लिए सब प्राणायाम करना, सबके लिए सारे वेद शास्त्र पढ़ना, ये आसान नहीं है. एंड टू बी फ्रैंक, इन कलियुगा दिस इज रियली नॉट पॉसिबल. तो दिस इज द इजिएस्ट पाथ आउट ऑफ ऑल द फोर पाथ्स. देन विल अंडरस्टैंड, नाउ वी हैव लुक्ड फोर पाथ्स, थोड़ा सा हमने देखा कि पंचकोशिक मॉडल क्या है, और नाउ विल गो डीप इन टू भक्ति, भक्ति योग, एंड विल अंडरस्टैंड वॉट इज काम, प्रेम एंड भक्ति. सो जैसे संस्कृत जो है ना, बहुत वास्ट लैंग्वेज है, और ऊपर से उसमें इतने सारे वर्ड्स हैं कि उसका एक-एक जो वर्ड है उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकल के आते हैं. सो जैसे कि हमने देखा कि योग का रूट वर्ड है यूज, जैसे राम का रम है, तो जैसे भक्ति है ना, भक्ति का रूट वर्ड भज, दैट इज भक्ति इज कमिंग फ्रॉम भज, एंड व्हाट दैट भज इज कि टू गेट अटैच्ड और टू गेट डिवोटेड. हम लोग जो भजन भी बोलते हैं ना, उसको भज भजना मतलब हम एक इसमें अटैच्ड हो जाते हैं, एंड दिस अटैचमेंट इज इन अ वेरी पॉजिटिव वे.
ये थोड़ा सा गुण के आगे चला जाता है. सो भक्ति इसमें और एक है कि प्योर एंड अनसेल्फिश लव है, कि इसमें ये तीनों वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, प्योर भी, अनसेल्फिश भी और लव भी. कि प्योर जिसमें कोई मिक्सचर्स नहीं है, जैसे हम कोई साइंस बैकग्राउंड से है ना तो उनको पता है कि हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, तो दिस इज जस्ट अ होमोजीनियस मिक्सचर्स की इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है. ऊपर से अनसेल्फिश लव है, दैट इज कि मुझे इसमें से कुछ मिलेगा, मुझे भगवान दिखेंगे, मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कुछ अता पता नहीं है. भगवान एग्जैक्टली होते कैसे ये भी नहीं पता, बट वी हैव दैट अ स्ट्रॉन्ग फेथ. ये प्यार ही है जो कि हमें आगे तक थोड़ा सा लेके चला जाता है. और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें वासना और इगोइजम्स, ये सबसे पहले ही इसके ऊपर वार किया जाता है. दिस इज ऑलवेज कट डाउन एट अ फर्स्ट स्टेप. कि एक बार कोई नाम जप और कोई सेवा में लग जाता है तो एक चीज है कि सेवा से ना थोड़ा सा झुकने का आदत लगता है, वेर एज वो वहां पे ईगो का जो भी फैक्टर है, आईनेस जो है, दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड. द सेकेंड पॉइंट आई वुड से इट एलिवेट्स योर माइंड एट अ वेरी सर्टन लेवल. वाई? बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भक्त इज अ ज्ञानी, क्योंकि उसको पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या खाना चाहिए, कब उठना चाहिए. सो ये अगर माइंड को एक फंक्शनिंग मिलता है तो माइंड इवेंचुअली स्ट्रांग होता है. एंड इट एक्चुअली, बिकॉज माइंड अगर एलिवेट हुआ है तो डेफिनेटली द डोर्स ऑफ विस्डम्स गेट ओपन, इसीलिए भक्त ज्ञानी हो जाता है. एंड द मेन इंपॉर्टेंट आई वुड से भक्ति बिगिंस इन टू एंड एंड्स इन वन. कि भक्ति ना पहले एक चीज होता है कि मैं जा रहा हूँ टेम्पल में, जा रहा हूँ मंदिर में, जा रहा हूँ. उसके बाद ये होता है कि ओके, मैं और भगवान एक ही है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द भगवान. आई एम नॉट टेकिंग इट इन टू द शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी, बट इट्स कम्प्लीटली इट स्टार्ट्स विथ टू एंड एंड्स इन वन. कि बाद में ना वो स्वयं के साथ ही उसको थोड़ा सा आंसर्स मिलने के लिए आसान हो जाता है, बिकॉज द प्रैक्टिसेस ही आर डूइंग फ्रॉम सो लॉन्ग टाइम. ओके, सो भक्ति इज कम्प्लीटली डिवोशन. आप लोग सरेंडर होते हो, सरेंडर इन द सेंस ऑफ माइंड बॉडी सोल. आप सर्विस में लगते हो एंड यहाँ पे जो भी सेवा होती है ना, तो वो एक चीज होती है कि उसमें जैसे मैंने बोला कि इगोइज्म कम्प्लीटली शेड होता है. आपको सच्चा प्यार है क्या? क्योंकि हम लोग प्यार को आजकल समझते हैं लाइक अ बॉडीली अट्रैक्शंस और कोई चीज हमें चाहिए. तो ये वाला जो प्यार है ना, यू अंडरस्टैंड इन अ सच अ वे दैट देर इज नो एंटिटी, कुछ दिख भी नहीं रहा है, एक मूर्ति है, लेकिन फिर भी आपका पूरा दिल जो है ना वो वहां पे स्थित है. यू डोंट आपको खुशी होगी आप जाके बोलोगे, आपको दुख होगा आप जाके बोलोगे. दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द डिवोटीज, कि वो ना वो प्यार का संबंध वो एक स्थापित हो जाता है. देन देर इज यूनिटी, क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसी वाले लोग वाइब्रेट होते हैं एंड यू गेट यूनाइटेड विथ लव. एक्चुअली इट्स बिकॉज ऑफ लव यू गेट इन यूनाइटेड, एज वेल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो द पाथ ऑफ लिबरेशन. सबसे इजिएस्ट और कली काल में ये तरीका थोड़ा सा बहुत आई वुड से इजिएस्ट है. भगवान जी ने डिस्काउंट दे दिया है हमें, क्योंकि अभी दुकान भी बंद हो जाएगी कली काल में. सो सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर में थोड़ा सा कर्म कांड विजडम के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं. तो कली काल में ना 60 इयर्स में ना फटाक से हम लोग ये सारा करके वी कैन जस्ट गो बैक टू गॉड हेड. सो दूसरा, आई कम विद द काम, प्रेम एंड भक्ति. सो काम इज द ग्रॉसेस्ट ऑफ लव. ओके, तो ग्रॉसेस्ट ऑफ द लव मतलब इसमें हम लोग बोलेंगे कि इट्स अ फॉर्म इन द डिजायर्स और इन द फॉर्म ऑफ लस्ट. कि एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज हमें चाहिए. ओके, सो एक वो क्या है ना कि एक द ग्रॉसेस्ट है उसमें ना, कभी हम लोग क्षणिक है. ओके, दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक चीज हासिल होने के बाद दूसरा, मतलब ये मन हमेशा ना एक चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज में लगता है. सो दैट इज काम. और हम लोग इसको काम वासना भी बोल सकते हैं. इट्स नॉट रिलेटेड ओनली टू अ पर्सन, बट इट्स रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्ट्स, फूड्स. अब ज्ञान भी ले लो, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं ना कि एक सीखने के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तो वो भी थोड़ा सा एस्पेक्ट चला जाता है उसमें.
काम के बाद जो होता है ना वो प्रेम है। यहाँ पे सिंपल तरीका है कि प्रेम को अगर मैं फॉर्मूला में लेके आऊँ तो काम प्लस त्याग है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज त्याग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक एलिवेटेड हो जाता है, प्लस टू में एक स्टेप आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि हम लोगों का एक चीज है ना कि वी ऑल डू हैव आवर बेस्ट फ्रेंड्स, और बेस्ट फ्रेंड्स के बर्थडे में जाने के लिए वी टेक सम काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स। तो वो मैंने लिया है वो आता है काम में, वो जब दे देते हैं वो होता है त्याग कि भाई मैंने तो लिया है बट वो मैंने त्याग दिया है। सो दैट इज ड्यू टू रिलेटेड ऑफ द प्रेम भावा। सो दैट्स वेयर द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एग्जैक्टली प्रेम। सो काम प्लस त्याग एक्चुअली डिलीवर्स यू विद द प्रेम, एंड दैट त्याग इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक त्याग नहीं करोगे ना तब तक कुछ जीवन में हासिल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक वी आर ऑल फ्रॉम योगा बैकग्राउंड, कि सपोज अगर कोई डायबिटिक पर्सन है और उसका शुगर लेवल बड़ा पीक पे रहता है, अगर उसने कुछ शुगर्स इनटेक हमेशा लेता रहेगा तो दैट इज बट नेचुरल कि उसका डायबिटीज कभी कम नहीं होगा या फिर बॉर्डर लाइन नॉर्मल में वो आएगा नहीं। सो जब तक वो मीठी चीज छोड़ेगा नहीं तब तक ही वॉन्ट बी कमिंग इन टू द नॉर्मल शुगर रेंज। तो अगर उसको खुद को तकलीफ नहीं देना है, फैमिलीज को तकलीफ नहीं देना है, तो ही शुड डू द त्यागा, एंड त्याग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैराग्य और त्याग तो हमेशा, अभ्यास वैराग्य एंड त्यागा, दे विल बी, वो हमेशा तीनों एक साथ ही चलते हैं। एंड दिस दीज आर द क्वालिटीज की जो स्टूडेंट्स में भी होने चाहिए और भक्त में भी होने चाहिए। बिकॉज एक्चुअली वी ऑल आर भक्त, बट आई वुड से कि माया जाल में होने के चक्कर में ना वी आर लाइक गेटिंग डिटैच, थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं कि हम लोग थोड़ा सा देखते नहीं उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में। सो मूविंग अहेड विद द भक्ति, सो भक्ति का एक फॉर्मूला जैसे प्रेम का दिया है मैंने, तो प्रेम प्लस शरणागति है। तो प्रेम तो वी नो कि त्याग तो इम्पोर्टेंट है, तो प्रेम के साथ अगर शरणागति है, जैसे व्हेनेवर वी आर एंटरिंग अ टेम्पल, टेम्पल में एंटर करते वक्त हमने हमेशा देखा है कि एक छोटा सा टर्टल होता है, और टर्टल सैग्निफाइज लाइक वो सिग्निफिकेंस है कि हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, कि जब तक झुकोगे नहीं तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। द गुरु तत्वाज आर ऑलवेज इन लाइक अनलेस एंड अंटिल यू डोंट बो डाउन यू वॉन्ट बी गेटिंग अ प्रॉपर ज्ञाना इन द फॉर्म ऑफ भक्ति ऑल्सो, कि वो गुरु कृपा तब तक नहीं होती है। सो चैतन्य शिष्टाष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, तो उसमें एक बहुत पहले पहला ही थर्ड ही वर्स है कि तृणा अपि सुचि चेना तरो अपि सह विष्णु नाम अनामी मान देव न कीर्तनीय सदाहरी। तो आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन कीर्तनीय सदाहरी एंड तृणादपि सुचि चेना, कि भक्त को ना थोड़ा सा झुकना चाहिए, और वो कैसे झुकना चाहिए, तृणापि लाइक समर्स में वी अंडरस्टैंड कि सारे लोग हम लोग ना मॉर्निंग वॉक्स के लिए चले जाते हैं गार्डन्स में ना, तृण दैट इज ग्रास, तो सारे लोग वो ग्रास के ऊपर पैर रखते हैं, तो ग्रास कभी बोलता नहीं है कि ए तूने मेरे ऊपर पैर क्यों रखा, वो बेंड होता है वापस स्ट्रेट होता है। तो भक्तों को ऐसे होना चाहिए कि बेंड, जब तक कोई भी कुछ भी कितना भी बोले, झुको फिर स्ट्रेट हो जाओ, झुको फिर स्ट्रेट हो जाओ, दैट इज द क्वालिटी लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम तृणा। एंड कीर्तनिया सदाहारी लाइक वी शुड ऑलवेज चैंट और ऑलवेज लिसन और ऑलवेज वी शुड बी फोकस्ड आवर माइंड ऑन कीर्तनिया सदाहारी, दैट वी शुड चैंट हरि नाम, या फिर जो भी हमारे जी इष्ट देवताज है उनको तो हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। वाई? बिकॉज एक्चुअली माइंड हमारा फोकस में रहता है एंड वी डोंट गेट बॉदर्ड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स हैपनिंग इन द आउटर वर्ल्ड्स। सो मूविंग अहेड, की जैसे अभी हमने देखा कि थोड़ा सा काम प्रेम भक्ति कैसा है, नाउ विल गो इन टू द टाइप ऑफ भक्ति। तो भक्ति को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया गया हमारे आसानी आसान तरीके के लिए, और सारे लोग एक्चुअली सारे चीजें कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ आई वुड से कि सबका माइंडसेट सेम नहीं होता है, राइट? सो सिक्स क्लासिफिकेशंस है, परा अपरा रागात्मिका वैधि भक्ति सकाम्य निष्काम्य वैभिचारण्य अवैभिचारण्य मुख्य एंड गौणा सात्विक राजसिक एंड तामसिक। सो जस्ट अंडरस्टैंड परा एंड मुख्य भक्ति एंड अपरा परा मुख्य एंड गौणा
दे आर एक्चुअली द सेम पाथ्स. ओके, वो थोड़ा सा आसान तरीके से बोलने के लिए जस्ट लिस्टेड इट इन अ सेपरेट वे. सो इट्स नॉट अबाउट द परा इज वेरी लोअर, ये ऐसे कुछ नहीं है. सो परा इज समथिंग की डिवोटी ही होता है, बट इट्स काइंड ऑफ ही वुड बी वर्शिपिंग अदर देवताज. और जो दूसरे लोग, अगर कोई उसका इष्ट देवता छोड़ के अगर कोई कोई पूज रहा है उसको, तो ही एक्चुअली वो पिंग पॉइंट करता है. सो वो थोड़ा सा एक लोअर पार्ट्स में चला जाता है, वेर एज अपरा भक्ति इज लाइक थोड़ा सा तीन गुण के ऊपर चला जाता है, वो निर्गुण भक्ति में आता है. सो रागात्मिका एंड वैधि भक्ति इज लाइक, रागात्मिका इज समथिंग लाइक डिवोटीज इज सिंपल लाइक अ चाइल्ड, कि उसको बाहर का जो चल रहा है ना उसको कुछ लेना देना नहीं. और वैधि भक्ति इज समथिंग आई वुड से कि उसको थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. रागात्मिका का एक सिंपल एग्जांपल आई वुड से कि मीराबाई, शी वाज मैरिड बट शी वाज इंटॉक्सिकेटेड बाय द लव ऑफ कृष्णा. सो दैट इज द बेसिक आई वुड से एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रागात्मिका भक्ति. सकाम्य निष्काम्य भक्ति इज लाइक, सकाम्य इज कर्म मिश्रित भक्ति, लाइक समवन विल बी गोइंग फॉर अ टेम्पल, इन अ टेम्पल फॉर गेटिंग रिच, समवन डोंट हैव अ किड सो विल गो एंड डू सम काइंड्स ऑफ अ पूजा और समथिंग. कोई कोई लोगों को होता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर इश्यूज, तो वो निकालने के लिए. सो थोड़ा सा दैट इज कर्म मिश्रित भक्ति. निष्काम भक्ति में कुछ भी हो जाए, जो भी है, दैट इज बाई द डिवाइन ग्रेस. सो इसका, निष्काम भक्ति का एग्जाम्पल आई वुड से इज नन अदर देन प्रहलाद महाराज, बिकॉज ही हैड लर्न फ्रॉम गर्भ में ही जब से थे ना, तब से उनको पता था. सो कितना भी उनको जलाया, पीटा, सब कुछ किया उनके फादर ने, फिर भी ही वॉज चैंटिंग श्री हरिज नाम. और सकाम्य भक्ति में आई वुड लाइक टू गिव अ एग्जाम्पल ऑफ ध्रुव. उनको बाद में थोड़ा सा पता चला है, उनको जब डिवाइन नॉलेज आने के बाद, देन हिज भक्ति वॉज चेंज इन टू निष्काम भक्ति. देन कमिंग टू द वैभिचारण्य भक्ति, इसमें वैभिचारण्य एंड अवैभिचारण में एक जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस है, एंड दैट इज अ पर्सन इज लविंग अ गॉड, उसके बाद ही इज लविंग हिज वाइफ और हस्बैंड और चिल्ड्रेन और हिज प्रॉपर्टी और हिज जॉब. ओके, और वैभिचारण्य भक्ति में क्या है कि देर इज नन अदर देन ओनली गॉड एंड गॉड. तो दिस इज अ डिफरेंस कि वैभिचारण्य वो भगवान को तो प्यार करता है, उसके बाद किसी को प्यार कर रहा है, लेकिन अवैभिचारण्य में कोई भी मतलब है ही नहीं उसको प्यार करने के लिए, इट्स ओनली डिवाइन. ओके, मुख्य एंड गौना भक्ति इज सेम एज अपर एंड परा. मुख्य इज अ प्राइमरी, गौना बिकम्स द सेकेंडरी, की गुण के ऊपर चला जाता है. सो सात्विक तामसिक एंड सात्विक राजसिक एंड तामसिक में है कि सत्व गुण थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाता है इन सात्विक भक्ति, कि ओनली वर्शिप्स गॉड फॉर गॉड्स प्लेजर, नॉट फॉर हिज इंद्रियाज प्लेजर. राजसिक भक्ति में रज गुण थोड़ा सा प्लस डोमिनेंट होता है, वेर ही इज मेकिंग आई वुड से डूइंग होमाज एंड यज्ञास टू गेट समथिंग, द वेल्थ, नेम और फेम. एंड तामसिक भक्ति आई वुड से डोंट परफॉर्म तमसिक भक्ति, क्योंकि ये चला जाता है कि किसी को डिस्ट्रॉय करने में. सो दैट इज द तमस एस्पेक्ट गेट्स इन अ हायर इन अ पिक्चर. तो वो अनलॉफुल जो नेचर्स के लॉज के कंप्लीटली ऑपोजिट है ना, वो वाला भक्ति वो उसमें चला जाता है. सो मूविंग अहेड विद द भक्ति कैटेगरीज एंड रसास, तो भक्ति के कुछ कैटेगरीज है एंड इसमें थोड़ा विल लुक इन टू इट. वर्दली स्क्रिप्चरल एंड स्पिरिचुअल, फिजिकल वोकल एंड मेंटल, तामसिक राजसिक एंड सात्विक. सो जैसे तामसिक राजसिक सात्विक मैंने जो लास्ट स्लाइड में बोला है दैट इज सेम, बट विल जस्ट लुक फॉर द फर्स्ट टू पॉइंटर्स, दोज आर वर्दली स्क्रिप्चरल एंड स्पिरिचुअल. वर्दली में है कि कोई कैटेगराइज हो जाता है कि वेन टू गेट अ नेम फेम. स्क्रिप्चरल में वी अंडरस्टैंड द वेदास, उपनिषदास एंड शास्त्रास, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में होमास, यज्ञास, ये चीज आती है. फिजिकल वोकल एंड मेंटल में फिजिकल वी आर डूइंग द सेवास, वोकल में वी
ईदर आर डूइंग भजना कीर्तना श्रवण में भी थोड़ा सा फिजिकल एस्पेक्ट आता है, एंड मेंटली वी आर मेमोराइजिंग या फिर चैंटिंग, ये जो है वो मेंटल एस्पेक्ट में आता है. नाउ मूविंग अहेड विद द भक्ति रसा, अगेन द रस कमिंग फ्रॉम संस्कृत, एंड रस रेफर्स टू द इसेंस और जूस. सबको अभी ये चल रहा है, समर्स चल रहा है, तो सारे सारे घरों में एक चीज होता है कि गन्ने का जूस. सो जब तक वो गन्ना जो अंदर वो मशीन में नहीं चला जाता, तब तक वो जूस नहीं निकलता है. एंड दैट द शुगर केन जूस इज वेरी 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 स्वीट, राइट? सो दिस रस, दिस जूस, और आई वुड से दिस रसा मीन्स मेलो, एंड मेलो इज स्वीट. तो भक्ति का जो रस है ना इज कंप्लीटली स्वीट. और नारद भक्ति सूत्र में ना एक बहुत अच्छा सूत्र है कि फल रूपेति भक्ति, जो भक्ति का फल है ना वो भक्ति ही है. कि भक्ति के लिए ना कोई पौधा नहीं है, भक्ति का फल भक्ति ही है. और ये जो फल है ना वो हमेशा वो जूस ना इतना राइप फॉर्म में आता है कि आपको कभी कड़वा नहीं लगेगा, कभी ऐसे नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा पका नहीं है. तो इट्स एक्चुअली द मोस्ट राइपन फ्रूट आई वुड से. ओके, और भक्ति रस में एक होता है कि माइंड बॉडी सोल ये तीनों इकट्ठा जो ट्रायड है हमारा वो कंप्लीटली एंगेज्ड हो जाता है. मतलब माइंड तो है ही, बॉडी तो सेवा में लग जाएगा. सोल के लिए ना सोल का एक जस्ट सिंपल आत्मा का एक ही स्वरूप है, सच्चित आनंद. उसको सिर्फ आनंद ही पता है, दूसरा कुछ पता नहीं है. सो माइंड बॉडी सोल का ट्रायड हमेशा एक्चुअली ये आगे तक चला जाता है. सो अंडरस्टैंडिंग दिस पंच रसास और पंच भावास, शांत रस वी गेट क्लोजर टू द डिवाइन या फिर द इष्ट देवतास इन अ शांत भाव. द एग्जाम्पल इज गिवन एज द युधिष्ठिर महाराज, की उनका राज्य चला गया, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया, फिर भी ही वॉज काम बाई हिज माइंड बॉडी सोल. कृष्ण जी शांति दूत बन के भी चले गए, लेकिन फिर भी इट वॉज ही वॉज लाइक ओके छोड़ दो, दैट इज द शांत, द माइंड इज वेरी काम. दूसरा है कि दास्य भाव, एज वी आर वर्किंग और वी आर सर्विंग आर डिवाइन, आर गॉड इन द फॉर्म ऑफ सर्वेंट, नन अदर देन दैट इज हनुमान जी. कि जो भी राम जी ने बोला है तो हनुमान जी ने वो करके दिखाया है. आई वुड से कि वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं आए. दूसरा है कि साख्य रस है कि वी आर वर्शिपिंग आर डिवाइन इन अ फॉर्म ऑफ द बिलेवड फ्रेंड. कि हमारा हमेशा एक पर्सनल एंटिटी होता है ना, कि हम हमारी बातें सारी शेयर करते हैं. तो सुदामा जी और कृष्ण जी का बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब भी वो सांदीपनि मुनि के आश्रम में उन्होंने जो शिक्षा ली है गुरुकुल सिस्टम में, तो वहां से लेके टिल कृष्ण जी हैज बिकम द्वारकाधीश, वहां पे भी जाके उन्होंने अपने दोस्त के लिए वो भाग के आए. सो दैट शोज कि व्हाट लेवल देयर फ्रेंडशिप वाज. ओके, दूसरा फोर्थ है कि वात्सल्य रस. ये एग्जाम्पल छोड़ के कुछ दिमाग में आया नहीं, मदर यशोदा, बिकॉज वी वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ मदरली लव. बिकॉज कृष्ण जी बंध गए, माँ के प्यार में ना बंधन उकल बंधन क्रिया उनसे हो गए, क्योंकि इतना माखन चुराया उन्होंने, फिर भी माँ ने बोला कि चलो ठीक ही है. लेकिन दोपहर तक भगवान ने कुछ बोला नहीं, तो माँ एंडिंग में 6 बजे के बाद शी वॉज ड्रोन, लाइक कंप्लीटली वो मुरझा गई थी. फिर बाद में जाके 3.5 साल के कृष्ण जी के जाके बाद में जब उन्होंने आलिंगन दिया है अपने माँ को, तब जाके वो शी वॉज लाइक अगेन आई वुड से हर एवरी सेल वॉज रिचार्ज. सो दिस वॉज अ वात्सल्य रस. और बाद में फिफ्थ है कि माधुर्य रस, कि वी वर्शिप आर डिवाइन एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ बिलेवेड हस्बेंड और वाइफ, नन अदर देन राधा रानी. दूसरा है कि गोपाज एंड गोपीज ऑफ द व्रज, क्योंकि उनका जो प्यार है ना वो सिर्फ ये है कि सारी जो चीजें करनी है कृष्ण जी के लिए करनी है. स्टोरी भी बहुत है, अच्छी है, बट जस्ट जिस्ट अप इनटू कि जब कृष्ण जी बीमार होते हैं, द्वारका में होते हैं, तो नारद मुनि जाते हैं और वो उनको बोला जाता है कि ब्रज की रज लेके आओ ताकि मैं मेरा जो सिर दर्द है वो कम हो जाए. तो सारे बोलते कि अगर हम लोग ये हमारी रज अगर माथे पे कृष्ण जी के लगाएंगे तो हमें पाताल में जाना पड़ेगा, विल गो इन टू हेल. तो इसीलिए वो कृष्ण जी बोलते हैं कि यू गो टू वृंदावन
एंड आप लेके आ जाओ, एंड दिस इज ओनली एक ही हल है। तो जाते तो है, और गोपीज क्या बोलती है कि ओके विल ये क्या एक्स्ट्रा भी लेके जाओ, माता रुक्मिणी को ये एक्स्ट्रा भी देके आओ कि बाद में अगर कहीं सिर दर्द हो रहा है ना तो रुक्मिणी माता को बोलो कि वो जस्ट अप्लाई दोज रज जो भी है पैरों की धूल है तो आप अप्लाई करो। तो नारद जी सेज दैट कि आपको पता है कि आप कहीं हेल में या नरक में चले जाओगे, तो इट्स लाइक ओके चले जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें बस इतना है कि हमारे जो काना है लाला है वो हमें ठीक दिखने चाहिए, अदरवाइज वो ठीक है तो हम ठीक है, उनके लिए हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ लव वी शुड बी ऑफरिंग, सो ये माधुर्य रस में चला जाता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड मूविंग अहेड विद द नवविदा भक्ति, ही इज अ वेरी क्यूट पर्सनैलिटी इन द एंड। छोटे से प्रहलाद महाराज है जो कि 5 साल के आयु से मतलब बहुत पहले ही, बट भक्ति में ऐसे बोला जाता है कि जब से अगर आपको समझ में आ जाए ना तो स्टार्ट इनटू इट, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इमोशंस थोड़े कल्चर होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटोज है, 12 स्कंद है, तो इसमें 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में 23rd एंड 24th इसके 2 वर्सेस आते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चव नवलक्षण क्रियत भगवत अध्या तन्मन नेव धीत उत्तमम। एक्चुअली ये सारे एक नवविधा भक्ति का कंप्लीट एक पूरा का पूरा एक श्लोक ही प्रहलाद महाराज ने बोल दिया है। तो विल जस्ट अंडरस्टैंड कि श्रवण मतलब चैंटिंग और लिसनिंग टू द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड। इसका परीक्षित महाराज जो कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी, जो फर्स्ट कैंटो में ही उनको बोला गया है, वो फर्स्ट कैंटो में उसका पूरा स्टोरी आ जाता है कि थोड़ा सा 7 दिन में उनको मृत्यु होने वाली है, और ये जैसे उनको समझता है तो वो दौड़ के शुकदेव महाराज के पास चले जाते हैं एंड ही टेल्स कि मुझे मुक्ति का मार्ग चाहिए। तब जाके जो श्रवण किया है 7 दिन में उनको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई है। तो श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट लिसन यू डोंट गेट टू अंडरस्टैंड वॉट इज एग्जैक्टली द फ्लो ऑफ भक्ति इज। ओके, दूसरा आता है कि कीर्तनम, कि हम लोग कीर्तन तो करते ही करते हैं, वी डू द आरती गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, ग्लोरीज गाते हैं, सो नन अदर देन यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए, नारद मुनि, मीराबाई, संत तुकाराम, कबीर, सूरदास जी, ये सारे ग्लोरीज गाते गाते ही इवन आई वुड से कि जो महाराष्ट्र के संत जितने भी है ज्ञानेश्वर महाराज एंड ऑल डू कम अंडर दिस कीर्तन कैटेगरी। स्मरणम इज लाइक ऑलवेज यू आर रिमेम्बरिंग द गॉड एंड नन अदर देन दिस प्रहलाद महाराज। भगवान बेचारे घूम रहते खंबे में कि कब जाके प्रहलाद महाराज कौन से खंबे पे हाथ रखेंगे उनको पता नहीं है, जिस खंबे से हाथ रखेंगे उस खंबे से वो प्रकट हुए। सो दैट इज द लेवल ऑफ स्मरणम। पाद सेवन इज नन अदर देन द सेवा ऑफ द लोटस फीट्स और वर्शिपिंग द लोटस फीट्स ऑफ द गॉड एंड दैट इज वेल डन बाय श्रीमती आई वुड से द गॉड इज लक्ष्मी। हमने सारे लोगों को मतलब वी हैव ऑल सीन द महाविष्णु जो शेषनाग पे है और उनके पैर दबाते हमेशा वो माँ लक्ष्मी हमेशा पैरों के यहाँ पे ही है एंड उसका स्टोरी भी बहुत है बट टाइम कंसर्न थोड़ा सा है। सो अर्चनम इज लाइक ऑफरिंग और डूइंग पूजा। तो नारद भक्ति सूत्र में पराशर मुनि थोड़ा सा ऑफरिंग के बारे में एक सूत्र बोलते हैं, पूजा पूजा आदिशु राग अनुराग इति पराशरः, लाइक ऑफरिंग और डूइंग लाइक गार्लेंड्स और समथिंग, तो वो अर्चनम की सेवा में चली जाती है। वंदनम इज लाइक ऑफरिंग प्रेयर्स, तो अक्रूर महाराज है कि इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। दास्यम इज लाइक सर्विंग योर लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्वेंट, अगेन हनुमान जी। साख्य अगेन सुदामा जी हु इज बिलवड, वी हैव सीन अर्लियर। एंड द लास्ट वन इज आत्मनिवेदनम, दैट यू फुल्ली सरेंडर टू द लॉर्ड विथ योर माइंड बॉडी सोल एवरीथिंग टू द लॉर्ड, एंड अगेन द सेम एग्जाम्पल्स द गोपास गोपीज एंड श्रीमती राधारानी। सो उसके बाद विल सी द 11 फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन नारद भक्ति सूत्र।
उसमें 11 क्वालिटीज दिए हैं, अटैच टू द ग्लोरीज ऑफ द क्वालिटीज, हिज ब्यूटी, वर्शिपिंग हिम, रिमेंबरिंग हिम, सर्विंग हिम, रेसिप्रोकेटिंग विथ हिम एज अ फ्रेंड, केयरिंग, डीलिंग एज वेल एज सरेंडरिंग होल सेल्फ टू हिम, गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट्स एंड देन सेपरेशन फ्रॉम हिम. थोड़ा सा विरह भी थोड़ा सा भक्ति में इम्पॉर्टेंट है. देन मूविंग अहेड विद द टाइप ऑफ भक्तास, भगवद्गीता में तो हमें पता है कि चार दिया है. आई वॉन्ट बी रीडिंग द श्लोक ड्यू टू द टाइम कंसर्न. अर्था जिज्ञासु अर्थाति एंड ज्ञानी. अर्था इज समवन हु क्रेव्स टू गेट रिलीज फ्रॉम द पेन्स एंड सोरो. वो थोड़ा सा तामसिक एस्पेक्ट में चला जाता है. अर्थाति हु इज वर्शिपिंग फॉर गेटिंग द वर्दली एस्पेक्ट, ये थोड़ा राजसिक में आता है. जिज्ञासु ही इज बिटवीन, लाइक वो थोड़ा सा ज्ञानी है, ये सात्विक एस्पेक्ट में चला जाता है. और ज्ञानी इज अ वाइज, मतलब उसको भगवत आई वुड से कि शुद्ध भक्ति का थोड़ा सा ज्ञान है, तो इसीलिए ज्ञानी इज वाइजर. और इसीलिए थोड़ा सा अगर नारद भक्ति सूत्र थोड़ा खोल के देखेंगे ना, तो 56 सूत्र जो है ना, गुण त्रिधा गुणा भेद अर्थ आदि भेदवा, तो नारद भक्ति सूत्र में सिर्फ तीन ही बोले गए, एंड दैट इज नन अदर देन अर्थ अर्थचिन जिज्ञासु. ओके, ज्ञानी जिसको ये पता ही है, और ही इज एक्चुअली टेकिंग कि हमने कुछ पहले स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं. ओके, सो द क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज इन नारद भक्ति सूत्र एंड गीता, सो 72, 73 एंड 74 इन NBS एक्चुअली टेल्स कि डिवोटीज की क्वालिटीज होती क्या है. कि कोई भी कास्ट क्रीड का कोई भी इंसान अगर आता है तो उसको ना कभी भी वो अलग नहीं करते. ओके, इक्वालिटी, सेंस ऑफ इक्वालिटी होती है, और कोई भी वाद में या फिर क्वारल्स में वो एंगेज नहीं होते. एंड सिमिलर गोज विथ इन द भगवद गीता कि हिज माइंड इज सरेंडर टू द डिवाइन एंड हिज एक्शंस एज वेल एज हिज थॉट्स आर ऑलवेज इन द सरेंडर फॉर्म टू द लॉर्ड. देन भक्ति के लिए थोड़ा सा आहार, जैसे मैंने बोला कि पंचकोश मैंने लिया था, कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक सात्विक आहार जब तक अंदर बॉडी के अंदर जाएगा नहीं, तो हमें हेल्दी या फिर भक्ति के लिए जो भी आगे की सेवाएं होती है जो करने के लिए है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो आहार इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे 17.8, 9 and 10 17 चैप्टर्स में जो है वो ये तीन श्लोक जो आते हैं एक के बाद एक, वो बड़े इंपॉर्टेंट है. कि पहला श्लोक जो बोलता है कि एक्चुअली वी शुड हैव अ सत्व जो डोमिनेंट है आहार में वो लेना चाहिए. जैसे कोई भी नेचुरल तरीके से जो है अवेलेबल है ये लेना चाहिए. उसके बाद स्पाइसी फूड्स वी शुड थोड़ा सा कट डाउन करना चाहिए, क्योंकि वो राजसिक एस्पेक्ट में चला जाता है. एंड तामसिक शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड, बिकॉज सो जाते हैं तो होगा ही नहीं, भक्ति ही नहीं होगा. इसीलिए तामसिक तो कम्प्लीटली अवॉइड करना है. राजसिक से तामसिक से राजसिक आना है, राजसिक से सात्विक आना है. सो हमारे यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि अन्न हेज पूर्ण ब्रह्म, दैट इज लाइक इट्स अ कम्प्लीट ब्रह्म. यू शुड बी वेरी कॉन्शियस कि वॉट इज देयर इन योर प्लेट. And you should always pray because it's because of the God's grace. क्योंकि भगवद गीता में श्लोक आता है कि all these things are coming due to mother nature as well as moon के entities में, moon के जितने भी सूर्य sorry प्रकाश है उसके वजह से vitamins and minerals ये आते हैं. उसके बाद आता है कि what is the core thing in bhakti. These are three things what I have listed, कि chanting, seva and reading scriptures. Chanting से एक होता है कि आपका mind focus होता है, and kali काल में ना it's the easiest way. और नाम जप के लिए ना कोई भी condition और कोई भी time ऐसे pre-decided नहीं है. और ऊपर से भक्ति के लिए जैसे मैंने बोला कि प्री क्वालिफिकेशंस कभी भी लगते नहीं है. सो दिस इज व्हाई चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी डन इन एनी कंडीशन एट एनी टाइम एट एनी वेयर. सेवा से एक होता है कि आपकी चित्त शुद्धि होती है, आपका ईगो कम हो जाता है. भगवद गीता का 9.26 श्लोक जो है कि पत्रम फुलम पत्र पुष्प फलम तोयम, ये जो है कि इवन यू ऑफर अ पत्र दैट इज अ तुलसी पत्र टू हिम, तो एक चीज होता है कि इवन ही एक्सेप्ट दैट.
तो वो सेवा ही है, आप तोड़ के लेके जाओगे ना, तो वो उसमें भी कर्म लगता है, तो एक्चुअली वो सेवा के भाव में है। और दूसरा है, तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रीडिंग स्क्रिप्चर्स। एक चीज है कि ये कोर थिंग है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स हमें थोड़ा सा, हम लोग सब गृहस्थ आश्रम में है तो एक पॉजिटिव, एक 4x4 के इसमें ना हमें बताया गया है कि कैसे है, तो डिस्ट्रैक्टेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं कि वेन एवर यू आर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, एंड वी मोस्टली अंडरस्टैंड कि वॉट इज आर वैदिक कल्चर एंड हमारी परंपरा क्या चल रही है। सो दैट इज वाई वी नीड टू गो थ्रू आर स्क्रिप्चर्स लाइक ऑन अ डेली बेसिस, लाइक गीता पढ़ो, थोड़ा वेद उपनिषद, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, श्रीमद भागवतम है, बहुत सारे पुराणास है, उपनिषदास है, हम लोग हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल से उसको देख सकते हैं। लास्ट कमिंग टू द थोड़ा सा फास्ट, आई वुड से कि भक्ति का स्वरूप क्या है, कि प्रेम परम प्रेम और आत्मा अमृत स्वरूप च, कि परम प्रेम रूप है, कि ये दिस इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ द लव, इसके बाद कुछ है ही नहीं। कि कर्म में हम लोग बोल सकते कि हम लोग थोड़ा सा कर्म मिश्रित में चले जाएगा, सो थोड़ा सा ज्ञान के बाद में थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्चर्स थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो वो लव थोड़ा सा एक राजसिक फॉर्म में है, लेकिन ये गुण के थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। दूसरा है कि अमृत स्वरूप, कि इट्स लाइक अ नेक्टर, जैसे मैंने बोला कि भक्ति का फल भक्ति ही है, उसी तरह दिस इज लाइक इट्स अ अमृत स्वरूप, अच्छा इट्स लाइक अ नेक्टर, दूसरा कुछ है ही नहीं। वंस यू टेस्ट दिस नेक्टर, यू डोंट लाइक टू टेस्ट एनी अदर थिंग। देन भक्ति एंड इमोशनल कल्चरिंग, कि थोड़ा सा ये देखा जाए कि आजकल हम लोग IQ और मैं थोड़ा सा ज्यादा घुसते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा EQ में थोड़ा सा काम करना हमारा बाकी रह जाता है, तो भक्ति एक्चुअली सॉफ्टन्स आर इमोशंस और थोड़ा सा इंटेलिजेंस में थोड़ा हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, तो इमोशंस में थोड़ा पीछे पीछे ऑन द एजेस वी आर, तो आउट ऑफ वॉट एवर अर्लियर स्लाइड ऑफ नवविदा भक्ति, आउट ऑफ दोज 9 कैटेगरीज हम लोग कोई भी एक उठा के हम लोग एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो वो हम लोग आगे तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए सेवा, चैंटिंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स आर मोर इसेंशियल, कि जो हमारा चित्त या माइंड हमारा थोड़ा सा प्यूरिफाइड कंडीशन में ले जाता है। उसके बाद भक्ति को, भक्ति मार्ग से ना साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आसानी से ट्रीट हो जाते हैं, कि जैसे सुरेखा मैम ने पहले ही दिन योग वशिष्ठ को बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है, तो एक चीज था कि वहां पे वो बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज द, आई वुड से द कोर सोल्यूशन, तो एक ज्ञानी जो होता है ना, तो उसको पता है कि उसका हैप्पीनेस किस किस में है, और भक्त को पता है कि उसका हैप्पीनेस किस में है। सो द लाइन आई वुड से कि कोई भी सेवा, अर्चनम श्रवणम है नवविधा भक्तिज में, तो वो मेंटली हमें स्ट्रोंग करता है, फिजिकली स्ट्रोंग करता है, स्पिरिचुअली तो स्ट्रोंग होते ही होते हैं। नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र है कि स तरति स लोकान सह तारयति, सो दैट इज लाइक भक्त नेवर फ्लोट्स, अकेला नहीं फ्लोट होता है, वो सबको लेके वो फ्लोट होता है। अगर एक इंसान, हम लोग कैसे होता है कि भाई ये करके अगर, ये सिंपल तरीका करके अगर ये खुश है तो व्हाई नॉट, तो इसको देख देख के भी लोग आगे आगे चले जाते हैं, एंड इट्स द इजिएस्ट वे टू गेट आउट ऑफ द इल्यूजन्स और द माया व्हाट वी से, क्योंकि ये माया को छेदना थोड़ा सा, भेदना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन दिस वर्ल्ड व्हाट एवर वी आर सेइंग। और उसके बाद अगर मैं बोलूं कि त्रिकाल सत्य है, त्रि सत्य से भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी, दैट्स ऑलवेज इट विल बी गिविंग यू अ ट्रुथ दैट इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि नारद जी यही बोलते हैं कि अगर ये चीज है ना, तो वो यू विल बी सैटिस्फाइड एट योर माइंड बॉडी सोल, एंड आत्मा का जैसे मैंने बोला कि सच्चित आनंद स्वरूप है, कि आनंद ही आत्मा को चाहिए होता है, एंड वी आर ऑलवेज इन अ सर्च ऑफ हैप्पीनेस, दैट व्हाई, दैट वाज माय थर्ड पॉइंट व्हाई आई रेफर्ड इट इन माय इंट्रोडक्शन, कि वी आर, व्हाई आर इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। एंड द लास्ट स्लाइड कमिंग टू द एंड इज लाइक द व्हाई इट इज रेलिवेंस इन द मॉडर्न टाइम, क्योंकि
फिजिकली हम लोग बहुत सारे अनहेल्दी पैटर्न्स फॉलो करते हैं, स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर हो गया है हमारे लाइफ में. तो भक्ति मार्ग के लिए ना एक स्ट्रेस बस्टर है कि कोई भी थैंक्स टू दिस सोशल मीडियाज की जो यूट्यूब्स है, मतलब आप फेसबुक बोलो इंस्टाग्राम बोलो, कि एक चीज है ना कि हम लोग कथा कीर्तन ऐसे काम कर रहे हैं तो हम लोग लगा के बोल सकते हैं या फिर गा सकते हैं. एक चीज है इसके लिए ना, यू डोंट नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल. और गृहस्थ आश्रम में जो भी लोग हैं ना, तो वो अपना जो भी कार्य कर्म जो है ना, वो करके एक्चुअली ये मार्ग में इजी आगे तक चले जाते हैं. और दूसरा एक फोर्थ पॉइंट जैसे मैंने लिखा है कि ये हमारे एक्टिविटीज एक्चुअली प्यूरिफाई करते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. ये एक्चुअली कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग, तो इसीलिए वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. और भक्ति मार्ग बड़ा आसान है, एक बार ज्ञानी हो जाए ना तो भक्त होने में आसान, मतलब आसानी हो जाती है. एंड स्ट्रेस एंड डेली लाइफ टेंशन है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि माइंड फोकस होता है ना. तो 10 मिनट के लिए भी ना आप थोड़ा सा कामनेस फील करते हैं. इवन यू गो एंड जस्ट सी और हैव प्रसादम, तो एक चीज होता है कि यू फील वेरी नाइस फॉर होल डे. तो पता नहीं सुबह 4:30 बजे के उठ के जब नाम जप करते हैं, मतलब जो मैं जैसे मैं कर रही हूँ, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि एक दिन है ना एक प्रॉपरली चला जाता है. आगे की जो भी एक्टिविटीज है ना, तो वो कामनेस में चली जाती है. एंड एंडिंग अप विथ माई रेफरेंसेस, दीज वेर माई रेफरेंसेस फॉर द टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज माई वेबसाइट्स. थोड़ा सा फास्ट फास्ट मैं बोल दिया मैंने, बट यस, एंड आई एंड अप ओवर हियर. सो आई ओपन द सेशन फॉर किसी को क्वेश्चंस है. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर इफ देर आर एनी. टिप्स है, कोई टिका करनी है किसी को, तो यस यू आर वेलकम, बिकॉज यू आर ऑल एल्डर टू मी. आई ट्राइड माई लेवल टू एक्सप्लेन एंड डिलीवर.